नमस्कार किसान भाइयों, किसान हेल्पलाइन से मैं गौरीशंकर पाटीदार। आज हम जानेंगे रियावन सिल्वर जो एक ब्रांड है, जो जिस प्लॉट पे हम खड़े हैं वो रियावन सिल्वर का प्लॉट है। तो रियावन सिल्वर लगाने का तरीका क्या, इसमें बेसल डोज डलता है वो, और इसे जैसे कि किसान पैदावार तो हर किसान ले रहा है इसके भी, लेकिन उसको एक ब्रांड के तौर पर बनाना वो कैसे पॉसिबल है, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि किसान भाई ने ये लहसुन जो लगाई थी कब लगाई थी, इसमें क्या क्या मुख्य सावधानियां किसानों को रखनी है, और इसमें अगर स्प्रे भी करना है या फिर अगर कोई एडवांस में खाद बीज देना है तो कौन सा खाद इसमें देना है ज़्यादा बेटर रहेगा। किसान को जैसे समय पर खाद बीज नहीं मिलता है तो उसमें किसान क्या चीज़ यूज़ कर सकता है जिससे उसको बेटर रिजल्ट मिले, इसके बारे में रियावन सिल्वर गोल्ड के जो एक टाइप से कह सकते हैं संचालक जिन्होंने इसको ब्रांड बनाए हैं उन्हीं से हम जानेंगे कि उन्होंने कब लगाई थी और उसके लिए क्या क्या किसान कर सकता है। नमस्कार। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? मैं हूँ कपिल सन ऑफ ईश्वरलाल धाकड़, ग्राम रियावन का रहने वाला हूँ, और मैं फुल टाइम खेती के साथ में जॉब भी करता हूँ। और ये जो है मेरा रियावन सिल्वर का प्लॉट है, और यहाँ पर हमने जो है राजस्थान में कुछ ज़मीन ले रखी है लीज पर, वहाँ पर हमने रियावन सिल्वर जो है वो लगा रखी है। अच्छा, तो हमें थोड़ा इसको स्टार्टिंग में बताएंगे कि जब आप सोयाबीन कटाई के बाद इसे लगाते हैं, हाँ, तो खेत की तैयारी करने में क्या किसान सावधानी रख सकता है, आपने किस टाइप से खेत की तैयारी करी, बुआई करते समय क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, मजदूरों को क्या इंटरेक्शन उसको देना चाहिए ताकि आपकी जो डिस्टेंस जो मेंटेन आपने कर रखी है वो उस टाइप की डिस्टेंस मेंटेन कर सके किसान भाई? तो सबसे पहले क्या होता है, किसान जब बारिश ख़त्म हो रही होती है, बारिश हो जा रही होती है और हम जब अगली सीज़न की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले किसान को ध्यान रखना चाहिए कि खेत की तैयारी जब भी किसान भाई कर रहा है उस समय पर एक चीज़ याद रखें कि खेत हमेशा सूखा होना चाहिए। खेत अगर गीला रहता है ना तो उसमें काफ़ी सारी समस्याएँ आती हैं, जैसे कि फंगस की समस्या काफ़ी बहुत आती है। होता है गीले खेत में हम उस समय पर किसान जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी कर लेता है, बहुत ज़्यादा जल्दी करने में भी उसका नुकसान है। होता क्या है कि ज़मीन में जो नमी जो होती है वो उस प्रकार से लहसुन की ग्रोथ में बहुत बड़ी रुकावट, बहुत बड़ा रोड़ा बनती है। तो कोशिश करें किसान मित्र की जो ज़मीन है वो सूखने दे, मतलब 5-6 दिन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत लंबी अगर गैप हो रही है 10-15 दिन 20 दिन की हो रही है तो उसमें आपका फर्क पड़ सकता है, पर 5-6 दिन 7 दिन में कोई ज़्यादा विशेष फर्क पड़ता नहीं है। तो खेत ज़मीन जो है हमेशा देसी लहसुन के लिए सूखी होनी चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ किसान को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिस जगह किसान लहसुन लगाना चाहता है वो ज़मीन प्रॉपर तरीके से सूख जाए। जी, तो आपने जैसे इसकी हगाई करी थी प्रॉपर सूख गया होता जब आपने इसको लगाने की प्रोसेस करी थी, तो किस हिसाब से आपने इसको लगाया है? तो उसके बाद जैसे हमने खेत, हमें लग रहा था कि इसके अंदर बहुत अच्छा वराप, हमारे यहाँ पर बोलता है बहुत अच्छा वराप आ गया है, मतलब खेत जो है वो सूख चुका है और वो हकाई करते में सही आ रहा है। तो हमने यहाँ पर दो हकाई करी। दो हकाई करने के बाद में हमने यहाँ पर जो बेसल डोज जो जाता है वो हमने डाला है। बेसल डोज में हमने यहाँ पर डाला है लगभग, यूँ समझ लीजिए कि 70 से 75-80 किलो के आसपास हमने यहाँ पर DAP उपयोग किया है, मतलब NPK जो होता है बहुत ज़्यादा मुख्य भोजन होता है किसी भी फसल का। जी जी। तो हमने यहाँ पर 70 से 80 किलो प्रति बीघा के हिसाब से जो है DAP उपयोग किया है, साथ में हमने 50 किलो के आसपास जो है हमने यहाँ पर पोटाश का उपयोग किया है, और 5 किलो जिंक और 5 किलो सल्फर वो हमने यहाँ पर प्रति बीघा के हिसाब से जो बेसल डोज में जो हम खेत जब शुरुआत में खेत की तैयारी करते हैं, जब हमारे यहाँ पर क्यारियाँ भी नहीं निकलती हैं उसी समय पर डाल दिया जाता है। क्योंकि पोटाश जो होता है ना, पोटाश उस समय पे शुरुआत में बहुत सारे किसानों का सवाल रहता है कि पोटाश कब डालें, शुरुआत में ही डालना चाहिए, क्योंकि पोटाश जो है वो ज़मीन के अंदर मोबाइल नहीं है, मतलब वो अपनी जगह से जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा, वो मूव नहीं करता है, जहाँ पड़ा वहीं पड़ा रहेगा, तो इसलिए वो मिट्टी में पूरा मिल जाए। इस वजह से हम शुरुआत में ही 50 किलो जो पोटाश है वो डाल देते हैं, और पोटाश एक ऐसी चीज़ है जो ज़मीन में पड़े पड़े पौधों के लेने लायक होने में उसको 40 से 50 दिन का समय लगता है। तो ये कारण होता है कि पोटाश शुरुआत में डाल दिया जाता है। और एक चीज़ और किसान मित्र जो गलती करता है, बीज चयन में भी काफ़ी गलती हो जाती है, बीज चयन हमेशा अच्छा करें। मतलब होता क्या है, अच्छी अच्छी लहसुन तो हम मंडी बेचाते हैं क्योंकि उस समय पर हमें भाव लेना होता है, पर जैसा हम बीज बोते हैं ना वैसा हम काटते हैं। अच्छा बीज लगाएंगे तो अच्छा काटेंगे, समझ रहे हैं जो फसल? हाँ, एक थोड़ा है। अच्छा, तो जैसे आपने इसको मजदूर से लगाया था तो कितनी लहसुन आप लगाते पर बीघा के हिसाब से? पर बीघा के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो रियावन सिल्वर जो है वो हम 80 गड़ी का बीघा है हमारे इधर, रियावन सिल्वर जो 170 से 180 किलो के आसपास हम जो जो
जो गठान जो रहती है, जो रॉ लहसुन जो रहती है, जिसे हम फोड़कर कलियां करते हैं, जो कंद वाली लहसुन रहती है, 170 से 80 किलो के आसपास प्रति बीघा के हिसाब से जो हम उस समय पर तोलते हैं, उसमें क्या है कि हम कुछ तो कचरा भी निकलता है, बहुत सारा मटेरियल निकलता है, छोटी बड़ी कलियां निकलती हैं, तो लगभग 170 से 180 किलो के आसपास इसमें बीज लगता है। और हम बड़ी बड़ी कलियां लगाते हैं, छोटी जो कलियां होती हैं या तो हम उन्हें साइड में लगाते हैं या फिर हम उसे मंडी में भेज देते हैं, क्योंकि छोटी कलियों की जो ग्रोथ है वो हमेशा स्लो ही रहती है। मतलब जैसा आप बोओगे उसी वैसी उसकी ग्रोथ रहेगी। हाँ सुबह की अगर बड़ी कली लगाएंगे तो उसका जो कंद रहेगा यानी कि पौधे का जो डंठल रहेगा वो हेवी रहेगा, उसमें थोड़ा मोटा अगर थोड़ा रोग भी आ गया ना तो होगा क्या कि उसके अंदर क्षमता रहेगी कि छोटा मोटा रोग जो है वो सहन कर पाए, समझ रहे हैं? बिल्कुल। जैसे कि आपने इसको लगाया तो कितनी डिस्टेंस अभी जैसे कि हम देख पा रहे होंगे लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा की डिस्टेंस होगी पर बीज के पौधे के लिए, तो ये डिस्टेंस जैसे आपने रख रखी है तो डिस्टेंस रखने का मेन उद्देश्य क्या है? क्योंकि किसान के पास में जैसे हम बहुत सारे खेतों में जाते हैं तो किसान ने पास पास में लगा रखी है, तो डिस्टेंस रखने का भी फायदा थोड़ा बहुत किसान को बता दीजिए। होता क्या है कि ये जो डिस्टेंस हमने जो मेंटेन कर रखी है ये क्वालिटी के लिए कर रखी है, मतलब ये 7 से 8 इंच की डिस्टेंस है पौधे से पौधे की दूरी, और कतार से कतार की जो दूरी है वो 7 से 8 इंच है। अच्छा। और ये यहाँ से यहाँ तक ये 4.5 फीट की क्यारी है, इसमें लगभग 10 से 10 कलियों के आसपास कलियाँ लगी हुई हैं। और होता क्या है कि अगर हम दूरी मेंटेन नहीं करते, होता है एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ा परिवार होता है एक छोटा परिवार होता है, छोटा परिवार जो होता है ना वहाँ पे सारी चीज़ें समय समय पर मिल जाती है, मतलब सारी चीज़ें उसको बराबर समय पे मिल जाती हैं, पर अगर एक बड़ा परिवार जो होता है ना कभी के किसी के जूते नहीं है, किसी का कोई समस्या आ रही है, किसी को कुछ नया लाना है, तो मतलब तंगी का माहौल रहता है। अब अगर यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें बहुत घना हमने लगा दिया तो हम जो खाद जो हम देंगे वो टोटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट जाएगा। बिल्कुल। हम क्वांटिटी कमाने के चक्कर में क्वालिटी में गड़बड़ कर लेते हैं, तो ये क्वालिटी बनाने के लिए जो दूरी जो हमने वो मेंटेन कर रखी है, खर्चा उत्पादन सब बराबर आएगा। ये हो सकता है कि जो आपकी जो साइज़ है, अगर मैं पास पास लगाऊंगा तो साइज़ छोटी आएगी, अगर मैं दूर लगाऊंगा तो साइज़ बड़ी आएगी, तो वजन बराबर आपका लगभग बराबर ही बैठेगा। अच्छा। हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें वजन कम हो, आप पास पास लगाते हैं उसमें वजन ज़्यादा निकल जाए, पर जब ये क्वालिटी बनेगी ना तो इसका भाव आपको मार्केट में जो नॉर्मल लहसुन से 1.5 गुना मिलेगा, हो सकता है 2 गुना भी मिले। अच्छा, तो किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जो लहसुन है उसके डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन रखें ताकि कंद अच्छा बने। जैसे कि आपने लहसुन लगाने के बाद में बीज उपचार किया होगा, उसके अलावा जैसे कि आपने इसको पहला पानी दिया था बेसल डोज, जैसे आपने इसको हकाई के टाइम पे ही दे दिया था बेसल डोज, जैसे फर्स्ट पानी आपने दिया था, पहला पानी देने के बाद में दूसरा पानी कब दिया था इसमें? पहला पानी जैसे कि आज हमने हकाई कर दी और वापस से लगा दिया, प्लांट हो गया, उसके बाद पहला पानी दे दिया जिसको हम कोरवाण बोलते हैं, उस शुरुआत में हमने पिला दिया, उसके बाद जो सेकेंड वाली जो है उसको हमने जब पिलाया ना, वो हमने जैसे कि यहाँ से आज लगाया, आज से 10 दिनों के बाद हमने पिलाया, मतलब 10 दिनों के बाद की जो डिस्टेंस है वो हमने रखी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रखने के कारण भी जो दूसरे जो पौधे हैं वो जो अंकुरित हो रहे होते हैं वो प्रॉपर तरीके से अंकुरित नहीं होते, क्योंकि अगर हम 15 दिन की गैप रख देंगे तो जो बाकी है जिनमें सही तरीके से पानी नहीं मिला या फिर कहीं पर कोरा वगैरह रह गया तो वो प्रॉपर तरीके से अंकुरण नहीं आएगा, जर्मिनेशन नहीं आएगा, तो हमारे जो पौधे हैं वो आगे पीछे हो जाएंगे, तो 10 दिनों के बाद हम पानी पिला देते हैं, पहले का दूसरा पानी। अच्छा, तो इसके बाद में जैसे अभी जो लहसुन है ये आपने कब लगाई थी, अभी कितने टाइम की हो चुकी है और कितना पानी इसमें आप दे चुके हैं? ये जो लहसुन हमने जो लगाई थी ये हमने लगाई थी 30 अक्टूबर के आसपास और आज है 24 फरवरी, लगभग 124-125 दिनों के आसपास की हो चुकी है ये लहसुन, और इसमें हमने 9 पानी दे दिया। 9 पानी आप दे चुके हैं? 9 पानी हम। अच्छा, तो नॉर्मली जैसे किसान भाई बहुत सारे जो लहसुन लगाते हैं तो 7 या 8 पानी में निकाल देते हैं वो, हाँ। तो इसमें पानी यानी कि 1 या 2 पानी ज्यादा देना ज्यादा लगता है। ये रियावन सिल्वर है, इसकी जो उम्र है आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से ये 1 महीना लहसुन जो है वो और खड़ी रहेगी, यहाँ से जिस हिसाब की जो कंडीशन है उस हिसाब से यहाँ से 1 महीना और खड़ी रहेगी। यानी नॉर्मली फसल जो 130 दिन में नॉर्मली 125-130 दिनों में नहीं जाती है, पर ये 150 दिन के आसपास का समय लेती है, जिस हिसाब की ये जो फसल है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। जिन खेतों में रोग आ गया, जिन खेतों में रियावन सिल्वर में रोग आ जाता है, वो तो क्या 120 दिन भी पूरा नहीं कर पाती है, तो ये से पहले परिपक्व हो जाती है, तो ये एक है। और अगर आप लेट भी लगाते ना, जैसे कि बहुत सारे किसान मित्र ने लहसुन लगाने में 15 नवंबर कर दिया, तो वो भी बराबर में ही आ जाएगी, क्योंकि गर्मी इतनी आ गई वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, मतलब अपनी उम्र ही पूरी कर नहीं पाएगी, ये समस्या है। अच्छा। हम लेट भी ज्यादा लगा देते हैं तब भी बड़ी समस्या होती है। अच्छा, इसके अलावा मेरे को थोड़ा ये बताइए कि जैसे कि बेसल डोज देने के बाद में अभी तक आपने इसमें और भी कोई खाद दिया? बहुत सारी चीजें लगती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह लगते हैं, और माइक्रोराजा तो बहुत सारे जो किसान मित्र उपयोग कर रहे हैं, मैंने पिछले वर्ष इस वर्ष इसमें यूज नहीं किया, मैं अगले वर्ष से मैं वो भी उपयोग करना चाहूंगा, क्योंकि
अभी हम बहुत ज़्यादा केमिकल उपयोग कर रहे हैं। और रही बात, मैं इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा उपयोग करता हूँ एनपीके में, हर मतलब ये एक पिलाई छोड़ी और अगली पिलाई में वापस से एनपीके का प्रयोग करता हूँ 10 से 15, बहुत ज़्यादा भी नहीं करता मैंने, यूँ समझ लीजिए कि डायरेक्ट बहुत ज़्यादा भी, अगर मैंने यूँ समझ लो कि एक साथ में मैं 4 बाटी खा लूँ तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल, मैं अगर टुकड़े टुकड़े में चीज़ें खाऊंगा ना तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ तो समझ के वो ये भी थोड़ा थोड़ा करके 10 से 15 किलो हर पिलाई, एक पिलाई छोड़ के एक पिलाई में मैंने इसमें 10 से 15 किलो हर बार एनपीके दिया है, चाहे वो हम 12, 32, 16 की बात करें। एनपीके के बहुत सारे फॉर्म आते हैं, जैसे कि 20, 20, 0, 13 हो गया, 10, 26, 26 हो गया, 15, 15 हो गया, 12, 11, 18 हो गया, 11 मिला कॉम्प्लेक्स का जो आता है, हर बार अलग अलग ब्रांड का मैंने जो चीज़ें हैं वो उपयोग करी। हो सकता है जो चीज़ें हैं किसी कोई मटेरियल हल्का फुल्का निकल जाए, इसलिए हर बार जो चीज़ें हैं वो बदल बदल कर उपयोग करता हूँ मैं। अच्छा, तो उसमें आपको ये फ़ायदा हुआ कि ये अभी तक आपकी जो क्वालिटी है, अभी तक जैसे कि जिस कंडीशन में आप देख पा रहे हैं क्वालिटी अच्छी मेंटेन है अभी। हाँ। तो किसान भाई ये भी आप कर सकते हैं, समय समय पे परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो स्वभाव के कि एक यही ना सोचे कि मैंने अगर लहसुन लगाई है तो मेरे को 12, 32, 16 NPK देना ही है। तो उसके अलावा भी आप बहुत सारे एडवांस चीज़ें मार्केट में आ चुकी हैं, 6th जनरेशन के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे थ्रिप्स की इसमें मुख्य रोग होता है या कह सकते हैं, तो थ्रिप्स के लिए आप कब स्प्रे करते हैं? इसमें होता क्या है कि किसान थ्रिप्स आने का इंतज़ार करते हैं। अगर मैं आपसे एक और पूछता हूँ, अभी यहाँ पर आप प्लॉट में खड़े हैं, आपको इस प्लॉट में थ्रिप्स एक भी थ्रिप्स दिखा है? नहीं नहीं, अभी जैसे हमने बहुत सारे घूम के भी देखा है, बहुत बड़ा प्लॉट है, लगभग 10 से 15 बीघे के समथिंग में लगा हुआ है यहाँ पर देखा है, तो अभी तक हमें ऐसी कोई नहीं दिखी है। लेकिन जैसे कि बहुत सारे किसान के थ्रिप्स के वजह से लहसुन ख़राब हो जाती है, इस बार भी बहुत सारे किसानों की हुई है, क्योंकि मंडी में भी हम देखते हैं तो बहुत सारे किसान बोलते हैं कि ये लहसुन मेरी ख़राब हो गई थी इसलिए मैं जल्दी निकाल के लेके आ गया हूँ। तो उसके समाधान के तौर पर आपको किस समय, मतलब क्या एक पर्टिकुलर टाइम होता है, क्योंकि जिस समय कहा जाता है कि गर्मी ज़्यादा होती है तो थ्रिप्स बढ़ जाते हैं? होता क्या है कि किसान मित्रों को ध्यान रखना होता है, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत मैच्योर हो गई है, हर किसान के पास आजकल स्मार्टफोन है। होगा क्या है कि जब आपको लगता है कि एक होता है थ्रिप्स के लिए एक उपयुक्त समय होता है, जब दिन का तापमान जो होता है वो 25 डिग्री से ऊपर जाता है ना, वो सबसे बढ़िया समय होता है थ्रिप्स के लिए। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है लोगों के खेत में थ्रिप्स की संख्या भी बढ़ रही है, बिल्कुल, तो गर्मी सबसे उपयुक्त समय होती है थ्रिप्स के लिए। तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखें, जब आपको लग रहा है कि दिन का तापमान 25 के आसपास जा रहा है, चले जाए लहसुन की उम्र 60 क्यों नहीं हो रही हो, 60 की उम्र में भी अगर आपको लग रहा है कि जो दिन का तापमान है वो 25 से ऊपर जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके यहाँ पर थ्रिप्स का अटैक हो सकता है। आप पूर्व सावधानी लेते हुए शुरुआत से, बहुत सारे किसान हैं कि ऐसा हाई मॉलिक्यूल है जैसे कि पीप्रोनिल 40 प्लस एमिडा 40 शुरुआत में स्प्रे कर देंगे, पहले दूसरे स्प्रे में कर देंगे, बिल्कुल, तो होगा क्या कि वहाँ से वो गलती हो जाती है। होगा हमें शुरुआत में बेसिक से शुरू करने पड़ते हैं, मतलब बिल्कुल हल्का से हल्का, समझ रहे, हमें थाइमेथोक्सोन 25% से शुरुआत करनी पड़ेगी, जैसे कि सिजेंटा का जो एक तारा आता है ना वहाँ से शुरुआत करें, एक उपयोग करें, हल्का 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 करके डोज आप बढ़ाएं। और हमेशा जब भी हम जैसे कि इसमें एक बार जो चीज़ हमने उपयोग कर ली है, जैसे कि हाँ एक मॉलिक्यूल का नाम बता रहा हूँ, थाइमेथोक्सोन 25% हमने यहाँ पर उपयोग कर लिया है, तो अगली बार जब हम स्प्रे करेंगे ना तो वो इतना प्रभावी रूप से कार्य नहीं करेगा, क्योंकि जो थ्रिप्स इसमें आएंगे उनमें ऑलरेडी थाइमेथोक्सोन के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता है वो ऑलरेडी विकसित कर लिए रहेंगे। तो आप हमेशा, किसान एक और गलती करता है, या तो वो स्प्रे करेगा तो वो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड स्प्रे करेगा, या फिर वो करेगा तो केवल कॉन्टेक्ट ही करेगा। तो आप कोशिश करें कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन जो आता है सिस्टमेटिक प्लस कॉन्टेक्ट का, वो आप उपयोग करें, तो उससे जो आपके जो थ्रिप्स हैं वो लंबे समय तक कवर रहेंगे। अच्छा, जैसे कि एक स्प्रे विद एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक स्प्रे किया, हाँ, है ना, तो सेकंड स्प्रे कितने टाइम में इसको करना ज्यादा बेटर रहेगा? मतलब लगभग 15 दिन का गैप आपको रखना है, हर 15 दिन में स्प्रे किसान कर सकता है, हर 15 दिन में स्प्रे कर सकता है। और पानी हमेशा होता क्या, एक बीघे में किसान स्प्रे तो कर रहा है पर वो क्या करता है, केवल स्प्रे के नाम पे एक वो जो है ना स्प्रे करना था वो उसने उसके सिर का जो बोझ है उतार दिया, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, समझ रहे। आपको कम से कम 80 लीटर प्रति बीघा के हिसाब से पानी तो आप उपयोग करें, जहां आपकी 3 टंकी में किसान कोशिश करता है 3 टंकी में एक बीघा निपटा दे, उससे कोई सेंस नहीं बनता। आपने दवाई उतनी खर्च करी, समय उतना ही खर्च करा, आपको केवल आधा घंटा और ज्यादा लगता, आपको वो एक जो टंकी और थी जो एक और जो आपको डालना था ना 20 लीटर पानी आपको और बढ़ाना था, आधा घंटा और ज्यादा लगता, पर आपने वहां पर नुकसान कर लिया। तो होगा क्या कि उसको एक टंकी बचाने के चक्कर में आपने जो दवाइयाँ जो डाली वो प्रॉपर तरीके से काम करी नहीं, तो वो समस्या होती है। किसान सबसे बड़ी गलती वहाँ कर लेता है।
जो इसकी मात्रा लेनी, पानी हमेशा ज्यादा उपयोग करें। 100 लीटर भी आप कर लेंगे ना तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। आजकल सबके पास बड़े बड़े स्प्रे पंप है ट्रैक्टर वाले, आप 5 बीघे में 500 लीटर उपयोग करिए ना, क्यों आप वो 500 लीटर वाले टैंक में 7-8 बीघा पहुंचा रहे हो, तो उससे क्या इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आता। और दिन में इसी भरसक दिन में, अभी 2 बजे का समय हो रहा है, ऐसी भरसक गर्मी में हम कोई भी स्प्रे करते हैं ना वो 100% रिजल्ट नहीं देता। हमेशा जब मौसम ठंडा होता है शाम के समय में या फिर बिल्कुल सुबह सुबह आप स्प्रे करें, तो सर्दी के दिनों में सुबह सुबह में तो ओस रहती है, सबसे उपयुक्त समय जो है ना वो शाम के समय 4:30 बजे के आसपास का जो समय है और थोड़ा लेट, वो सबसे बढ़िया समय होता है स्प्रे करने के लिए। इसके अलावा इसमें चिप्स के अलावा भी बहुत सारे फंगस भी लगते हैं, तो थोड़ा हमें फंगस के लिए भी क्लियर करिए। इसके अलावा किसानों की समस्या रहती है जड़ सड़न की, जड़ में भी बहुत सारे फफूंद लगते हैं जी, तो उसके लिए भी थोड़ा आप डिटेल में बताइए कि वो बीमारी कब ज़्यादा होती है या कौन से मौसम या कौन सा ऐसा कोई क्लाइमेट जो रहता है उसमें वो फफूंद या फिर वो ज़्यादा पनपती है, तो उसके लिए भी थोड़ा आप डिटेल में बताइए। तो देखो सबसे बड़ी जो जड़ सड़न की जो समस्याएं आती है वो एक कारण उसका होता है, होता क्या है कि शुरुआत में जब किसान बहुत ज़्यादा जल्दी कर लेता है ना, गीले खेत में अगर लहसुन हम लगा देते हैं तो आप शुरुआत से लेके अंत तक जब से आपने लहसुन लगाई है जब तक वो उखड़ेगी नहीं, उसके अंदर जड़ के अंदर जो फफूंद आती है उसमें कोई भी दवाई काम नहीं करती, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती। हाँ कवर हो जाती है, थोड़ी बहुत रिकवरी मिलती है, पर सही तरीके से काम नहीं करती। तो जड़ में अगर सड़न है, जड़ में अगर फफूंद वगैरह लगती है, तो उसके लिए आप जो थाइफेनोट मिथाइल जो आता है, थाइफेनोट मिथाइल 70% वाला, वो आप उसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं, और किटाजिन वगैरह बहुत सारे ऐसे सिस्टमेटिक, हमेशा आप कोशिश करें सिस्टमेटिक जो फंगिसाइड जो आते हैं हेक्साकोनाजोल वगैरह, आप उनका आप प्रयोग करें, उनको पानी के साथ में आप चला दें, साफ वगैरह जो आते हैं उनको आप पानी में मिलाकर आप पानी के साथ में टपका सकते हैं, तो जड़ की जो फफूंद है वो पानी से होते हुए जड़ को कवर करेगी। और रही बात ऊपर की जो फफूंद, जिसे हम डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं, काली मस्सी, जिसे हम हमेशा सबसे बड़ी समस्या थ्रिप्स, मतलब ये थ्रिप्स के बाद में अगर कोई समस्या है तो वो काली मस्सी की है, या जिसे हम डाउनी मिल्ड्यू भी बोलते हैं। तो डाउनी मिल्ड्यू की जो समस्या होती है ना, आपने देखा होगा जब भी बहुत ज़्यादा धुंध आती है, मौसम के अंदर कोहरा आता है और बहुत ज़्यादा ओस गिरती है, पर उस समय पर सबसे ज़्यादा जो है जो डाउनी मिल्ड्यू का अटैक होता है। एक और चीज़, जब बारिश हो जाती है, आपने देखा इस वर्ष भी बारिश होगी, उसी के बाद में लोगों के खेतों में जो है डाउनी मिल्ड्यू का जो अटैक है वो शुरू हुआ और अभी तक कवर नहीं हुआ। आपको लगता है कि मौसम ठंडा हो रहा है, मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा नमी है, उस समय पर डाउनी मिल्ड्यू को लेकर आपको जो बेसिक से हैं स्प्रे शुरू करने हैं, मतलब वहाँ पर भी वही चीज़ लागू होती है, सिस्टमेटिक और कॉन्टेक्ट वाली, और बेसिक से शुरू करना है। बेसिक मॉलिक्यूल जो शुरुआत में बहुत हल्के जो मॉलिक्यूल आते हैं वो आप उपयोग करें। मैंने अपने चैनल पर बहुत बार किसानों को शुरुआत से लेकर अंत तक जो है मैं जो चीज़ें उपयोग करता हूँ वो मैंने बताई है, मतलब जैसे कि हम आते हैं ना मैनकोजेब से शुरुआत करते हैं, मेटालेक्सेम प्लस मैनकोजेब से शुरू करते हैं, या पर कार्बेंडाजेम प्लस मैनकोजेब से करते हैं, तो वो बहुत बेसिक मॉलिक्यूल होते हैं। धीरे धीरे आप टेबू प्लस एजोक्सी तक बढ़ें, फिर धीरे धीरे आप अलग जो आते हैं ट्राइफ्लेक्सिस्ट्रोबिन वगैरह जो आते हैं आप वहाँ तक जाना चाहिए, वो बहुत बड़ी गलती होती है किसानों की। अच्छा, तो हमेशा बेसिक से अपर की ओर बढ़े। आपने शुरुआत में ही नेटिवों का स्प्रे कर दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हैं आप। हाई मॉलिक्यूल आप बिल्कुल भी स्प्रे ना करें, शुरुआत में धीरे 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 जो है आप ऊपर की ओर बढ़े, तो उससे आपकी जो फसल है उनमें, मैंने आपको बता ही दिया, अगर हम एक बार जो हम फंगिसाइड का जो टेक्निकल हमने एक बार उपयोग कर लिया तो वो अगली बार में हम उसका उपयोग करते हैं तो इतना इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करता, समझ रहे हैं। और एक और किसान क्या करता है, चिपको में पैसा बचा लेता है, चिपको में वो चिपको नहीं डालता, चिपको जो आता है ना जो सॉल्वेंट आता है जिसको हम सिलिकॉन बेस्ड चिपको कहते हैं वो नहीं डालता, तो कि जो हमने स्प्रे करी 1,000-1,200 रुपये की जो दवाई हमने स्प्रे करी है ना वो चिपको में पैसा ज़्यादा महंगा नहीं होता, 100 रुपये बीघे के आसपास का खर्चा होता है, वो उसमें वो पैसा बचाने के चक्कर में जो किसान है क्या करता है कि वो पैसा बचाता है तो जो स्प्रे हम करते हैं वो प्रॉपर तरीके से पत्तों के ऊपर फैलता नहीं है, तो इतना इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करता। यस, क्योंकि लहसुन की जो पत्तियां हैं वो खड़ी रहती हैं तो कोई भी अगर दवाई स्प्रे करते हैं तो वो नीचे गिर जाती है, चिपको चिपकाने का काम करेगा तो वो प्रॉपर रिजल्ट उसको मिलेगा, तो वो गलती ना करे किसान। यानी कि किसान भाइयों के लिए एक टाइप से एक सजेशन है कि किसान को हाई डोज नहीं देना है, अगर किसान भाई के फसल में कोई लग रहा है फंगस टाइप का तो कोशिश करिए कि वो नीचे से ऊपर तक जाए, क्योंकि अगर हाई डोज अगर स्प्रे करेगा और उसमें अगर उसको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला तो नेक्स्ट टाइम उसको हाई डोज करेगा तो फिर भी वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, तो किसान क्या है उससे क्या है कि खर्चा उसका ज़्यादा हो जाएगा और बीमारी है वो कवर नहीं होगी येट, तो उसका विशेष किसान को ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें और भी कोई रोग लगता है क्या? रोग लगता है, जड़ में कीड़े लगते हैं, तो उसके लिए आप जो क्लोरो वगैरह आती है, क्लोरो आ गई है, फ्लोपाइरम आ गया, बहुत सारी ऐसी मार्केट में चीज़ें हैं, वो आप फर्टेरा वगैरह जो आता है का, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि जो अपन हाइड्रोक्लोराइड जो आता है
जिसे हम कार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं, वो भी आप स्प्रे कर सकते हैं ग्रेन्यूल फॉर्म में, पानी के साथ में आप टपका सकते हैं। इसके अलावा लहसुन में सबसे ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको देना ही देना है, बिना माइक्रोन्यूट्रिएंट के आपकी जो लहसुन है वो क्वालिटी नहीं बन पाती है, समझ रहे हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट का बहुत बड़ा रोल होता है, मैंने आपको बता ही दिया। जो है मुख्य न्यूट्रिएंट में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश आते हैं, और सल्फर, मैग्नीशियम और जो आता है कैल्शियम, और ये होते हैं ना, ये द्वितीयक न्यूट्रिएंट होते हैं। और उसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट में आपको बहुत सारी चीज़ें आती है, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, मॉलिबेडनम वगैरह जो आता है, आयरन, फेरस वगैरह जो आता है ना, ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये बहुत लिमिटेड मात्रा में लगते हैं, किसानों को उसका भी उपयोग करना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे किसान भाई अभी मैं आपको यहाँ से लहसुन निकाल के भी बताऊँगा, लगभग 125 दिन की जो लहसुन हो चुकी है, तो देखते हैं अभी तक किसान ने जो मेहनत करी है उसका रिजल्ट कैसा है। ये देखिए बहुत ही शानदार कंद इसका बनना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अभी ये लगभग लहसुन एक महीना और रहेगी, और सुबह की अगर एक महीना और रहेगी तो इसका कंद कितना आ जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे जब इसकी निकालेंगे किसान भाई। तो एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किसान ने जो वीडियो हमने यहाँ पर जो पोस्ट किया था, आपको बताया था, तो उसमें किसान ने क्या क्या चीज़ डाला तो उसका रिजल्ट किसान को क्या मिला, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा किसानों को आप और क्या गाइडेंस देना चाहेंगे लहसुन के प्रति? किसानों को देखो, मैंने लगभग 7 बीघे के 8 बीघे के आसपास की जो है लहसुन लगा रखी है, तो आप कोशिश करें कि कम मात्रा में लगाएं, और अगर आपको ज़्यादा भी लगाना है तो आप दूरी ज़रूर मेंटेन करें। होता क्या है, किसान शुरुआत में खर्चा करता है, पर इस समय पर आके खर्चे में मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, और इस समय पर उसके पास पैसे ही नहीं बचता कि इस समय पर खर्चा करें, तो यहाँ आके वो हार जाता है। तो अभी मैं आपको सजेशन इतना देना चाहूँगा किसानों को कि आपने लगभग 100 110 दिन की जो लड़ाई है वो लड़ ली है, जिन्होंने अच्छी लहसुन उनके खेतों में खड़ी है उन्होंने 100 दिनों के आसपास की जो लड़ाई है वो लड़ ली है, आखिरी 10 20 दिन और बचे हैं। आप इस समय पर थोड़ा सा खर्चा और कर लें, एक आध स्प्रे अगर आपको और लग रहा है थ्रिप्स वगैरह का तो वो आप स्प्रे करें, फंगस वगैरह का लग रहा है तो वो करें, क्योंकि यही समय है इस पौधे ने जो पिछले 100 दिनों के अंदर जो अपने अंदर जो न्यूट्रिशन है वो जो इकट्ठा किया है वो अब इससे ऊपर से नीचे की ओर उतर रहा है। और अगर यहाँ पर थ्रिप्स आ गए तो होगा क्या कि ये जो रस इन्होंने 100 दिनों में इसने इकट्ठा किया था वो सारा वो तो थ्रिप्स चूस जाएंगे, अगर वो चूस गए तो फिर ये कंद बनेगा ही नहीं ना, तो हमारी 100 दिनों की जो मेहनत है वो पूर्ण रूप से बेकार हो गई। तो आप कोशिश करें इस समय पर आप स्प्रे ज़रूर करें। जी बिल्कुल, है ना। और रियावन सिल्वर में एक चीज़ और बताता हूँ, इस समय पर यहाँ 120 दिन की फसल हो चुकी है, इसके बाद में ही कंद बनने का जो एक किसानों का बहुत बड़ा डाउट है, इसके बाद ही जो साइज़ है वो बढ़ेगी। अब धीरे धीरे जैसे ही आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी रस उतरने का जो कार्य अब नीचे से शुरू हुआ है, धीरे धीरे जो ये पौधा है ये पौधा है इसका जो रस से नीचे उतारेगा और ये जो कंद है ये फूलेगा। अभी तो बिल्कुल ये प्याज के जैसा है। बिल्कुल, अभी जैसा एक ये लग रहा है कि जैसे अभी एक कुली लहसुन जो है उस टाइप की लग रही है ये, तो अब जैसे जैसे इसका रस उतरेगा तो सुबह की इसमें कलियाँ भी बनेगी, विकसित भी होगी, और कंद की जो साइज़ है वो भी बड़ी होगी। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि अगर वो लहसुन की खेती कर रहे हैं तो प्रॉपर उसमें ध्यान देने वाली चीज़ें जो भैया ने हमें बताई हैं उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, तो आप भी आप क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। और इसके अलावा भी किसानों के और भी कोई क्वेश्चन है तो वो हमें कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम उनकी सहायता करेंगे और किसान भाइयों को जो क्वेश्चन है उनका समाधान उनको मिलेगा, ताकि किसान भाई खर्चा करता है तो खर्चे का जो उससे उपयोग है वो पूरा मिले और उसकी जो पैदावार है वो भी बढ़े और उसका जो मुनाफा है वो भी बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जानकारी प्रोवाइड करी।